अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का परांठा, जो बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ में अपने कमेंट्स भी दें। कुक टेन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसके लिए हमने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसमें हम कद्दूकस किया हुआ गाजर डालेंगे 2 कप। साथ में डालेंगे एक छोटे साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, बारीक कटी हरी मिर्च 1 टीस्पून, अदरक का पेस्ट, थोड़ा हरा धनिया 1 टीस्पून, अजवाइन भीगी हुई। हम इसको थोड़ा पानी डाल के भिगो देते हैं, उसके बाद ही अजवाइन का पानी निकाल के डालते हैं इसमें। टेस्ट के मुताबिक नमक करीब 1 टीस्पून, थोड़ा पिसा हुआ गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर 2 टीस्पून, हम ऑयल डालेंगे। और सभी चीज़ें अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे आटे के साथ में। आटे के साथ हमने सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर दी है। अब थोड़ा गुनगुने पानी से हम आटा गूंद लेंगे। आटा हमने गूंद लिया है, इसमें हम थोड़ा ऑयल लगा के इसको 10 से 15 मिनट ढककर रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, आटा हमारा तैयार है परांठे बनाने के लिए। पराठे के साइज का हम पेड़ा लेंगे, सूखे आटे में लपेट के हम इसको थोड़ा बेल लेंगे। थोड़ा ऑयल लगाएंगे, अच्छे से चारों तरफ हम इसको फैला देंगे और इस तरीके से हम इसको रोल कर लेंगे। देखिए इस तरीके से पेड़ा बना लेंगे वापस से गोल। सूखे आटे में अच्छे से इसको डस्ट करेंगे। थोड़ा आटा ज़्यादा है, हम इसको झाड़ देते हैं और इसको गोल बेल लेंगे। पराठा हमने बेल लिया है, तवा तो भी हमारा तप चुका है, हम इस पे डाल के इसको सेक लेंगे। इसी तरीके से हम और भी पराठे बना लेंगे। एक साइड से परांठा हमने सेक लिया है, इसको पलट देंगे और दूसरे साइड से भी सेकने देंगे। दोनों साइड से परांठा सिक चुका है, थोड़ा ऑयल लगा के हम दोनों साइड में परांठे को सेक लेंगे। अच्छे से हम करारा परांठा सेक लेंगे।
देखिए पराठा अच्छे से हमने सेक लिया है, इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से दूसरा पराठा भी डाल देंगे। लीजिए तैयार है हेल्दी फुल न्यूट्रिशन से भरपूर गाजर के पराठे। ज़रूर बनाएं अपने लिए अपने बच्चों के लिए। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कुकटेन को सब्सक्राइब करें ज़रूर। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।